चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ टू एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में सिक्स एक्स माइनस का टू एक्स वाई प्लस का नाइन इजकल टू जीरो, देन द वैल्यू ऑफ फोर एक्स का क्यूब माइनस का वाई का क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो देखिए इसमें जब हम वैल्यू पुट करके करेंगे तो हम थोड़ा सा हिंट लेंगे। क्या हिंट लेंगे, देखो यहाँ पे टू एक्स वाई बन रहा है और ये माइनस में है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला जो बनेगा वो एक्स माइनस का वाई का होल स्क्वायर बनेगा, और जब मैं इसे जीरो के बराबर रखूंगा तो एक्स की वैल्यू वाई के बराबर आएगी, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू मुझे यहाँ पे बराबर पुट करनी है। और जब मैंने इसको देखा तो ये थ्री का स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू या तो मेरे पास थ्री होगी या फिर मेरे माइनस थ्री होगी। बट देखिए यहाँ पर क्या थ्री है और ये क्या आपका पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में, इसका मतलब क्या है कि आपका जो एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आपकी थ्री आएगी। तो रख के चेक कर लेते हैं क्या ये वैल्यू वेरीफाई हो रही है। माइनस का थ्री करेंगे तो टू इंटू में आपका नाइन हो जाएगा और प्लस का आपका नाइन हो जाएगा, माइनस का छह ती अट्ठारह हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका आपका तीन तिया नौ और नौ दूनी अट्ठारह हो जाएगा आपका, और प्लस का नौ हो जाएगा अगर ये जीरो के बराबर है। तो इसका मतलब मेरे को एक्स और वाई की वैल्यू माइनस थ्री मिल गई है। तो ये नौ दूनी अट्ठारह, ये अट्ठारह कट गया, नौ और नौ अट्ठारह ये कट गया, इसका मतलब एक्स और वाई की वैल्यू मुझे मिल गई है, क्या है वो माइनस थ्री, माइनस थ्री। तो चार इंटू में माइनस थ्री का आपका क्यूब करेंगे, माइनस माइनस थ्री का आप क्यूब करेंगे, प्लस में माइनस थ्री का आप स्क्वायर करेंगे और माइनस थ्री का आपका स्क्वायर करेंगे। तो ये अगर तीन तीन नौ सत्ताईस, माइनस का सत्ताईस इंटू में चार, तीन तिया नौ सत्ताईस, सत्ताईस प्लस का आपका कितना हो जाएगा सत्ताईस हो जाएगा, ये आपका तीन तिया नौ हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और ये इंटू में तीन तिया नौ हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया आपका 81 प्लस का 27, तो ये हो जाएगा आपका 8 और ये 10, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 चौक 28, 4 दुनी 8 और 10, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ए यानी जीरो आएगा। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं अब इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले की हेल्प से। अगर इस तरह से नहीं करना तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए अगर एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर में से लिखता हूँ तो ये वाई का स्क्वायर प्लस में आपका सिक्स एक्स माइनस का टू एक्स वाई और प्लस का आपका ये थ्री का स्क्वायर, इसको मैं लिखता हूँ इजकल टू में जीरो हो जाएगा। तो देखिए ये एक एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और माइनस का टू एक्स वाई, तो इसे लिखता हूँ एक्स माइनस के वाई का ये होल स्क्वायर बन रहा है आपका, प्लस का निशान नहीं, एक्स का स्क्वायर और ये आपका यानी थ्री का स्क्वायर बी का स्क्वायर और प्लस में सिक्स, यानी कि एक्स और प्लस में आपका थ्री का ये होल स्क्वायर जो है इजकल टू में जीरो आ जाएगा। तो x माइनस का y बराबर में जीरो के होगा तो x की जो वैल्यू आएगी वो y के बराबर आएगी, और यहाँ सोल्व करेंगे तो x माइनस का x प्लस का थ्री इजकल टू में जीरो आएगा, तो x की वैल्यू जो आएगी वो माइनस थ्री आएगी, यानी कि यहाँ से मुझे इसकी वैल्यू मिल गई। अब इसकी वैल्यू को मैं यहाँ रखूँगा तो मेरे पास में आंसर आएगा माइनस तीन, माइनस तीन का क्यूब करूँगा तो 27 आएगा और वो माइनस का, तो चार सत्ते अट्ठाईस और चार दूनी आठ दस, यानी कि माइनस का 108 आएगा। यहाँ पे रखेंगे माइनस का थ्री तो ये 27, माइनस का 27 प्लस का 27 हो जाएगा आपका, यहाँ आपका कितना का माइनस का तीन का स्क्वायर और माइनस तीन का स्क्वायर, तो तीन तीन नौ और तीन तीन नौ में क्या सी ये 81, इसको जोड़ेंगे आपका तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 और 10, ये दोनों बराबर आ रहे हैं यानी कट के क्या आ जाएगा जीरो। ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।